साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुदेश पुनिया। और इस समय मैं पंचायत की जो सर्वे है, जो जहां पर चुनाव चल रहे हैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं पूरे चुनाव की कंपेनिंग कर रहा हूं, डोर टू डोर लोगों से मिलने का काम कर रहा हूं। और इस समय मैं फतेहाबाद ज़िले के रतिया विधानसभा की सबसे बड़ी पंचायत बिरडाणा के अंदर मैं मौजूद हूँ। बिरडाणा गाँव का नाम आपने अक्सर, जब फतेहाबाद का नाम आता है या रतिया विधानसभा का नाम आता है, जब सबसे ज़्यादा वोटों की बात होती है तो यहाँ पर बिरडाणा गाँव का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, क्योंकि रतिया विधानसभा की सबसे बड़ी पंचायत कहा जाता है। लगभग 8300-8400 के करीब यहां पर वोटर जो है वो आने वाली 25 तारीख को अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं। ऐसे में जिला परिषद के प्रत्याशियों के भी तमाम जो निगाहें हैं वो इस बारी इस गांव के वोटरों पर रहने वाली है। बिरडाणा गांव के अंदर सरपंच पद प्रत्याशी के तौर पर इस बार मैदान के अंदर उतरे जसविंदर कौर और इनकी पूरी की पूरी जो टीम है वो हमारे साथ है। ये पंचायत चुनाव के मैदान में सरपंच पद पर अपना जो है वो इन्होंने नामांकन भरा और ताल ठोकी है। चर्चाएं करते हैं, सबसे पहले हमारे साथ सपिंदर पाल सिंह जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करते हैं कैसा चुनाव चल रहा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। आपका स्वागत दातनूर का पहुंचने पर बिरडाणा में, बहुत बहुत स्वागत है जी। हम एक महीने से हमारे डोर टू डोर बिरडाणा में जाके वोटों की अपील कर रहे हैं और हम गाँव के विकास के लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे और जिसमें गाँव का अधिक से अधिक विकास हो सके। हमारे जो मेन मुद्दे हैं, नशे को लेकर मुद्दा है, खेल बच्चों के खेलों के लेकर मुद्दा है, और जो हमारे स्कूल जाने में लड़कियों को दिक्कत होती है, बसों की दिक्कत, उसमें मुद्दा है। साफ सफाई का मुद्दा हो गया, उस पर अच्छे से काम किया जाएगा। लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं लोग, क्या कहते हैं जब आप लोग डोर टू डोर हम जा रहे हैं, हमारा अच्छा समर्थन मिल रहा है, सभी 36 बरादरी का हमें समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले तो हम नशे के विरुद्ध घर घर जाकर उनको जागरूक करेंगे कि नशे से हमें बचना है। तो चलिए मैम, अगर देखा जाए तो आप डोर टू डोर मिल रही है, महिलाओं से मिल रही है, किस प्रकार का समर्थन आपको मिल रहा है? त्रातन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर पहुँचे जी। पहली बात तो हमें सरकार ने बहुत अच्छा मौका दिया है बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए। हम बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जी। गांव की सभी साफ सफाई, सड़कें, सभी को हम निर्माण करना चाहते हैं। जो महिलाओं से आप मिल रहे हैं जहां वोट मांगने जाते हैं, कैसा समर्थन, लोग क्या कहते हैं जब वोट मांगने जाते हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, सभी बिरादरी हमारे साथ हैं, इस बिरादरी को हम साथ लेकर चलेंगे। हम बेटियों के लिए तो शिक्षा को बढ़ावा देंगे जी। हम जैसे बेटियों को बसों में आने जाने दिक्कत होती है, हम गांव में वैन लगाएंगे। साफ सफाई की बात की जाए तो हम देखते हैं कि गांव में नालियों भरी पड़ी है, गंदा हाल है, गंद बहुत गंदा है। हम इन सबसे पहले हम इनका निर्माण करेंगे जी। और इसके अलावा हम नशा मुक्ति अभियान करेंगे। कैसी चल रही है कंपनी? बहुत बढ़िया चल रही जी। रातल न्यूज आपके पहुंचने पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कैसा तो गाँव में बहुत 36 बिरादरी का हमें समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैं पहले 12 साल पहले पंचायत मेंबर रहा था, उस टाइम से हम गांव में अच्छे कार्य कर रहे हैं। हर बिरादरी हर कास्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम काम कर रहे हैं, तभी हर बिरादरी का हमें पूरा सपोर्ट पूरा समर्थन मिल रहा है। गांव वासियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो हमारे साथ हैं, सभी ग्रामवासी। ठीक, शुक्रिया। तो पूरी की पूरी टीम इनके साथ है। मुख्य मुद्दा यहाँ गाँव की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, खेलों की बात की जाए, नशे का बड़ा ज़्यादा युवा जो है वो इसके नशे के अंदर घिरे हुए हैं। पहली प्राथमिकता के अंदर बेटियों के लिए आने जाने की सुविधा, खेलों की व्यवस्था और नशे से छुटकारा पाने के लिए तमाम ये जो अभियान है वो चलाएंगे। तो देखते रहेगा इसी प्रकार से फतेहाबाद और भट्टू की तमाम अपडेट हम आपको पल पल की देंगे। कैमरा सहयोगी नरेंद्र कुमार के साथ सुदेश पुनिया।